रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश, इनको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 5 जिलों में डेयरी प्लांट लगाने की है योजना। 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए कोनार सिंचाई परियोजना को जल्द किया जाएगा पूरा। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SH44। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के देवघर, पलामू, साहेबगंज, गिरिडीह और जमशेदपुर में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट लगाने की योजना है। राज्य सरकार ने बजट में विधायकों के सहयोग से गिफ्ट मिल्क स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। राज्य के अन्य जिलों में यह स्कीम चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। हजारीबाग और गिरिडीह जिले में फैली कुनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2,176 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कुनार नदी पर बांध और नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा हो जाने पर दोनों जिलों के 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। किसान भाई, आप अपनी खेती से नियमित रोजगार और बेहतर आय प्राप्त करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके लिए आप एक ही स्थान पर विभिन्न फसलों की खेती सहित पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और मछली पालन कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली का उद्देश्य है सालों भर काम, सालों भर आमदनी के साथ मिट्टी और मनुष्य को पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करना। समेकित खेती के लिए राज्य के किसान एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध जमीन का चयन करें, साथ ही तालाब बनाकर मछली पालन करें। इसके अलावे बत्तख पालन, मुर्गी पालन और गौ पालन भी साथ साथ करें। ये सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर लाभकारी हैं। किसान भाइयों, खास करके जैसे समेकित कृषि प्रणाली को आप जैसे एक एकड़ मॉडल, एक हेक्टेयर मॉडल, यह सब विकसित की गई हैं अनुसंधान करके। जैसे हमारे ICR प्लांडू केंद्र में भी एक मॉडल, एक एकड़ की मॉडल विकसित की गई है, जो कि आपको सालाना 36,000 से 40,000 का आमदनी, शुद्ध आमदनी देगा, जिसमें कि पशुधन, उसमें उद्यानिकी फलें, सब्जियाँ, उसमें आपकी अनाज वर्गीय, दलहनी, तलहनी, इन सभी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और गायों के पशुधन का इस्तेमाल करता हुआ आप इतनी शुद्ध लाभ जो है कमा सकते हैं। तेलहनी फसल सूर्यमुखी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 15 मार्च तक बुआई का काम किया जा सकता है। झारखंड में सूर्यमुखी से अधिकाधिक उपज हासिल करने के लिए DRSF 108 या SH44 लगाएं। DRSF 108 सूर्यमुखी का सामान्य प्रभेद है, जबकि SH44 संकर किस्म है। DRSF 108 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि सूर्यमुखी का संकर प्रभेद SH44 में 14 से 15 क्विंटल उपज देने की क्षमता है। किसान भाई, आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार इनमें से किसी भी प्रभेद का चयन कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर और गुमला में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1600 रुपये से 1740 रुपये, बैंगन 3000 रुपये से 4000 रुपये, महुआ 3000 रुपये से 3200 रुपये, गोभी 3500 रुपये से 3900 रुपये और मिर्च 4000 रुपये से 4500 रुपये, चावल मोटा 2100 रुपये से 2210 रुपये, चावल मध्यम 2580 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 4200 रुपये, गेहूँ 1730 रुपये से 2060 रुपये, दाल अरहर 6760 रुपये से 7160 रुपये, दाल मसूर 6650 रुपये से 6960 रुपये, दाल चना 7620 रुपये से 8460 रुपये, सरसों तेल 9980 रुपये से 11000 रुपये, चीनी 4380 रुपये से 4560 रुपये, आलू 960 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 4050 रुपये से 4600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, होली की खुमारी तो उतर चुकी है और रंग बिरंगो रंग से अब नजर हटकर पीले और हरे रंग की तरफ चला गया है। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं आम की बात कर रहा हूँ और आम में लगे हुए मंजर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त आम में बहुत सारे पेड़ों पर टिकोले आ चुके हैं और बहुत सारे पेड़ों पर मंजर लगे हुए हैं और ऐसे में ज़रूरी है आपको कीट से इनको बचाना, रोग की पहचान करना और उसका उपचार करना, है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप नुकसान में भी जा सकते हैं, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, उनके पास आप सभी को लिए चलते हैं और सारे जो सवालात हैं उन्हीं से दाग देते हैं। किसान भाइयों, मौसम संधि की बेला आ गई है, जहां एक और ठंड अपनी बोरिया बिस्तर समेटे हमें अलविदा कर रही है, वहीं दूसरी ओर गर्मी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे मौसम में चारों तरफ आम के पेड़ों में मंजर का लगना स्वाभाविक है। जैसे ही आम के मंजर लगते हैं तो उनमें कीटों का प्रकोप भी होता है। इसकी वजह से आम के मंजर तथा छोटे फल झड़ने लगते हैं। इसमें लगने वाले प्रमुख रोग है पाउडरी मिल्डे। इस रोग के लगने से आम के मंजर तथा छोटे फल झड़ने लगते हैं। हमारे झारखंड में प्राय यही देखा जाता है कि उसमें पहले ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा अगर आम का पेड़ लगा हुआ है तो इसमें क्या करें कि जिससे स्वस्थ इसमें स्वस्थ मंजर रहे, उसमें अच्छा आम लगे। लेकिन जैसे ही मंजर आता है उसके बाद से किसान भाई देखना शुरू करते हैं कि अब आम आएगा, लेकिन उसके साथ में कई बार हम होता है कि अभी जब हम देख रहे हैं आम में और छोटा छोटा आपका फूल खिला हुआ है या टिकोरे, जिसको टिकोले आप बोल रहे हैं, वो बेर जैसे साइज के आ रखे हैं और कुछ दिन में जैसे ही देखते हैं कि पूरा झड़ जाता है। तो किसान भाई इसी समय आपको काफ़ी उसमें जो दवाइयां हैं उनको देने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो टिकोले हैं वो झड़े नहीं। इनसे कुछ बातें ध्यान में रखने की है। वो झड़ते क्यों हैं, पहला सवाल यह है कि झड़ते क्यों हैं। आप जैसे ही खेत में आम के खेत जो आम का बगीचा लगा हुआ है, आम में अगर जाके अगर देखते हैं तो जहाँ पे आपका टिकोला या आपका जो मंजर लगा हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो सफ़ेद रंग का एक पाउडर, अगर आपका तापमान बढ़ा हुआ है और दिन का तापमान धूप अच्छी खासी है तो उस समय देखते हैं कि इस समय आम के जो मंजर है उस पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देगा। ये पाउडर आप जो छोटे छोटा जो फल है उस पर भी दिखाई देता है, राख जैसा सफ़ेद पाउडर, इसको हम पाउडरी मिल्डू या चूर्णी आशिता बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी से क्या होता है कि आप सोचता है किसान कि ये पानी से धुल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग धुल जाता है लेकिन जो अंदर में बीमारी है उससे आपका पूरा फल, आपका जब बड़ा फल जहाँ नींबू की साइज का होता है वहाँ तक झड़ता है। तो इसके लिए प्रबंधन की बहुत ज़रूरत है। इसमें दूसरी लगने वाली बीमारी है झुलसा रोग। ये तब लगता है जब बारिश हो जाती है, इसमें आम के मंजर जल जाते हैं तथा काले पड़ जाते हैं। दूसरा बीमारी अगर आपका जो
कई बार बारिश हो जाती है, अगर इसी समय में देखेंगे कि अगर इसके ऊपर बारिश हो गई तो बारिश वैसे तो आम के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इसकी वजह से कुछ बीमारियां और कीट का आक्रमण बढ़ जाता है। उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि आप आम जो मंजर है वो पूरा आप देखेंगे कि जल जाता है और लास्ट में एक डंठल बचता है कि जहाँ पे फल लगना था और पूरा डंठल रह जाता है। तो वो मुख्य जिसको हम आम का झुलसा रोग बोलते हैं, जो मंजर झुलसा जिसको बोलते हैं, ये बीमारी आती है, पूरा मंजर आपका झुलस जाता है काले रंग का होकर के, लास्ट में डंठल बचता है। इन सब के अलावा सूर्य की रोशनी में यदि पत्तियों के ऊपर चमकीला पदार्थ दिखाई दे तो ये मधुवा कीट के प्रकोप का लक्षण है। ये मंजर तथा फलों के रस को चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसके साथ ही आम में थ्रिप्स का भी प्रकोप देखा जाता है। अगर आप आम के पेड़ के जो आपका आम का पेड़ लगा हुआ है उसमें आप सूर्य की साइड से अगर पत्ती के ऊपर देखेंगे, अगर कुछ चमकीले रंग का चमकीला ऐसे पदार्थ दिखाई दे रहा है जिसको मधु बोलते हैं, अगर वो आपके आम के पत्तों पे लगा हुआ है तो उस आपके आम के पेड़ में, उस बगीचे में आपके उसमें मधुआ कीट जिसको मैंगो होपर्स और मधुआ कीट बोलते हैं उसका प्रकोप है। उस कीट को अगर आप पास से देखेंगे तो उस पे छोटा छोटा बहुत सारे कीट आपको चलते हुए दिखाई देंगे जो उसके रस को चूस लेते हैं और आपका जो मंजर है, आपका जो फल है उसको कमज़ोर कर देते हैं और जो झड़ जाता है। आप किसान भाई पूरा ध्यान रखें कि चूर्णी लाशिता, मंजर झुलसा, मधुआ कीट और ये थ्रिप्स, चार दो कीट और दो बीमारियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ में कुछ हार्मोन, वर्दी हार्मोन जो रहते हैं उनकी कमी, पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होती है जिससे आपका मंजर है वो झड़ता है और आपका फल पकने से पहले ही झड़ जाता है। आम के मंजर में रोग लगते जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता। रोगों का उचित प्रबंधन कर आम को इनके प्रकोप से बचाया जा सकता है। पाउडरी मिल्डी से बचाव के लिए बगीचे में खर पतवार पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके अलावा सल्फेक्स दवा का छिड़काव करने से इन रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आम में ध्यान देंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका रोग का प्रबंधन करें। जिस रोग की हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे चूर्णी लाशिता, पाउडरी मिल्डी जहाँ बीमारी आती है, उस बीमारी के प्रबंधन के लिए जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बगीचे में नीचे कुछ खरपतवार लगे हुए हैं, उन्हीं खरपतवारों से बीमारी आपकी फैलती है, तो सबसे पहले आप बगीचे की साफ़ सफाई रखें क्योंकि उससे काफ़ी कीट और बीमारियां हैं जो आपके आम में मुख्य बाद में जब फलन होता है उस टाइम में पहुँच जाती हैं, तो आप उसके लिए बगीचे की सफाई रखें। दूसरा, इस समय में हेक्साकोनाजोल नामक रासायनिक दवा है उसको 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के एक छिड़काव जरूर करें। अगर आपका पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप है, अगर बारिश हो गई है तो उस समय के लिए आप जो बेविस्टिन दवा है उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। तो किसान भाई इसका ध्यान जरूर रखें कि आपको एक छिड़काव ये करना है, अगर आवश्यकता हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे हेक्साकोनाजोल दवा को एक बार फिर से रिपीट करें जिससे आपके जो मंजर है उस पे बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा। अगर आपको हेक्साकोनाजोल उपलब्ध नहीं है बाज़ार में तो आप उसकी जगह में सल्फर डस्ट जो सल्फेक्स के नाम से मिलता है उसको 1 लीटर पानी में 3 ग्राम सल्फेक्स को मिला करके उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिलाइए और उस स्टिकर का काम करेगा उसको मिला करके एक छिड़काव करें हेक्साकोनाजोल उपलब्ध नहीं होने की अवस्था में, तो ये आपको जो बीमारियां उसको नियंत्रित कर लेगा। और कीटों के नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि मधुआ कीट, उसके लिए आप एक छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड जो 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके इसके साथ में 5 से 10 दिन के अंतराल पे एक छिड़काव फिर से साइपरमेथ्रिन का और करें, तो इन दो छिड़काव से आपका पूरा जो कीट है, मधुआ कीट और जो थ्रिप्स, दोनों का आपका नियंत्रण हो जाएगा। ये हो गया आपका कीट और बीमारी का नियंत्रण जो आप बिल्कुल इस टाइम में बिल्कुल ध्यान रखें। इसी तरह से मधुआ कीट से नियंत्रण के लिए इमिडा क्लोरोप्रीड दवा का 1 ml भाग 3 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लेना चाहिए तथा उसका छिड़काव करना चाहिए। इससे 5 से 10 दिनों के अंतराल पर साइपरमेथ्रिन दवा का छिड़काव करने से मधुआ कीट तथा थ्रिप्स पर नियंत्रण किया जा सकता है।
अगर कीट बीमारी का प्रकोप नहीं है फिर भी झड़ रहे हैं तो उस अवस्था में आप एक हार्मोन है प्लानोफिक्स, उसको 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला करके उसके हिसाब से जो अगर आपका आम का अगर 15 से 20 लीटर पानी चाहिए उसका छिड़काव करें और इसके साथ में बोरेक्स का छिड़काव करें जिससे आपका आम झड़ना और फटना कम होगा। इस तरह से सही दवाओं का चयन कर सही समय पर छिड़काव करने से आम के मंजर या छोटे फलों को झड़ने से रोका जा सकता है तथा इन बीमारियों से मुक्त रखा जा सकता है। और अब बात औषधीय पौधों की। झारखंड के परिवेश में बहुत सारे किसान भाई बहन जो है अब अपने खेती के तरीके को बदल दिया है। खेती बाड़ी के साथ साथ फल बाग भी लगाते हैं और औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, किसकी खेती करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं, इतने सारे सवाल आते हैं ना, तो चलिए हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि औषधीय पौधों की खेती कैसे करें और इसके क्या लाभ हैं। औषधीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। हमारे झारखंड में जिस तरह से बारिश होती है वैसे में औषधीय पौधों की खेती की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसकी खेती खाली पड़ी बेकार भूमि में भी आराम से की जा सकती है। इसमें ध्यान सिर्फ इतना देना है कि खेती वैज्ञानिक विधि से हो, इसी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये पौधों के आज के डेट में बहुत सारी उन्नत प्रजातियों का विकास हुआ है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हुई जितने भी शोध संस्था है उन्होंने रिलीज किया है। तो इसके लिए क्या है कि आपको वैज्ञानिकों से संपर्क बना के रखना पड़ेगा ताकि यदि जो भी आप खेती करना चाहें तो संबंधित वैज्ञानिक से जरूर इसका पता करें कि इसकी कौन कौन सी वैरायटी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि यदि कोई आदमी कालमेघ की खेती करना चाहें तो उसमें AK1 वैरायटी अच्छी मानी जाती है। यदि आपको सर्पगंधा की खेती करनी है तो RS1 वैरायटी। मेडिसिनल प्लांट्स में क्या है कि केवल न सिर्फ ग्रोथ इसका इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट है इसमें बायोकेमिकल कंटेंट कितने ज़्यादा पाए जाते हैं। जी जी, तो वैरायटी वाइज में ग्रोथ पे नहीं जाना है, वो उसमें औषधीय तत्व तो कितने हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा औषधीय तत्व तो रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी मार्केट में डिमांड रहेगी। तो किसी भी खेती में अच्छी फसल लेने के लिए बीज की किस्म का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अतः किसान भाई वैज्ञानिकों की अनुशंसा के आधार पर ही बीज की किस्मों का चुनाव करें। हमारे जो जितने भी फैलो लैंड हैं जिसमें की खेती नहीं हो पा रही या यूं कहें कि वेस्ट लैंड है जो खाली पड़ा हुआ लैंड है, तो इस खेती में भी आप इस जमीन में भी आप औषधीय पौधों की खेती काफ़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये हमारे झारखंड का जो है कि आपको इतनी ज़्यादा बारिश होती है उस बारिश में इसकी खेती पर्याप्त मात्रा में की जा सकती है, तो उसके लिए बिल्कुल सूटेबल कंडीशन है। रही बात तकनीक की, तकनीक के लिए क्या है कि आप यदि कोई भी नकदी फसल यदि आप खेती उसका कर रहे हैं तो जाहिर है कि मुनाफे के लिए कर रहे हैं, तो मुनाफा जहाँ भी आपको चाहिए तो आपको खेती के जितने भी उसके तत्व हैं वो सारे तत्व को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपको कि पर्याप्त मुनाफा मिल सके। ठीक है ना, कब लगानी है, कौन सी बीज लगानी है, कब उसको हार्वेस्टिंग करना है, कितना उसमें खाद डालना है, कब कब उसकी आपको कुड़ाई करनी है, कब पानी देना है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, सारी चीज़ों पे यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका मुनाफा ज़्यादा बेहतर होगा। किसान भाइयों, औषधीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिससे आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ इसके उपयोग से आदमी कई तरह के होने वाले रोगों से भी बच सकता है, अतः इसकी खेती कर स्वास्थ्य लाभ भी उठाया जा सकता है। औषधीय पौधे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नकदी फसल है, इससे 2 प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। पहला तो इकोनॉमिक गेन, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, जो आजकल हम लोग जो जितने भी लोग हैं वो हेल्थ कंसर्स हो गए हैं, स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ी है, तो यदि जो छोटे मोटी जो बीमारियां जो होती रहती हैं घर पे, यदि उसका इलाज आपके घर में उगाई गई औषधीय वनस्पतियों से हो जाए तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो ये दूसरा लाभ है। तो ये दोनों प्रकार के लाभ आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि अच्छी खेती, अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। अपना झारखंड जो कि जंगलों से घिरा हुआ है, इसमें औषधीय पौधे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। बदलते वक्त के साथ औषधीय पौधे का दोहन बहुत हुआ है, इसके चलते आजकल इसकी उपलब्धता कम हो गई है, अतः बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें औषधीय पौधों की जरूरत होती है आजकल किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रही है। किसानों को इससे घर बैठे बाजार मिल रहा है।
हमारा जो स्टेट है झारखंड है, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी कि आज हम लोग इसकी औषधीय पौधों की खेती करें, क्यों इसी में किसानों के बीच में हम लोग जाएं, उनको प्रोत्साहित करें कि भाई आप इससे जुड़ें, इस जो खेती के तरीके हैं। तो पहले क्या था कि हमारे झारखंड में जानते हैं स्टेट का नाम ही वनों के नाम पे पड़ा है कि झाड़ों का प्रदेश। तो हमारे जंगलों में अभी बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती थी जो बहुधा प्रकार की औषधि बनाने के काम में आती है, लेकिन दिनों दिन जो है इसका हार्वेस्टिंग इतना तेजी से हमारे जंगलों से हो रहा है कि जंगलों से ये विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। तो इसका डिमांड जो औषधीय पौधों का जो डिमांड है वो इसके सप्लाई से लगभग 3 गुना है पूरे यदि राष्ट्रीय औसत पे हम लोग बात करें तो। लेकिन वो डिमांड जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो परिणाम स्वरूप क्या है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस क्षेत्र में आ रही हैं, क्योंकि कंपनी को अपना इनपुट चाहिए। जब तक उनके पास इनपुट नहीं रहेगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाएं। तो इनपुट बनाने के लिए वो आजकल वो किसानों का पूरा ग्रुप बना के, किसान के ग्रुप को प्रोत्साहित करके, उन्हें आपको आर्थिक और तकनीकी सहायता दे के उनके साथ बायबैक गारंटी करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं ताकि कंपनियां अपना इनपुट सुनिश्चित कर सकें। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो किसानों को इसकी खेती करने में पर्याप्त मुनाफा होगा। ऐसी स्थिति आती आज देखिए डावर है, झंडू है, आपका बैद्यनाथ है, हिमालया है, पतंजलि भी आ गई है, ये सारी जो व्यावसायिक कंपनियां हैं जो अनेक प्रकार के औषधीय उत्पाद बनाती हैं और अच्छा तो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रही हैं। तो एक्चुअल सोर्स तो किसान ही है ना, किसान को तो यदि इसकी खेती करेंगे तो बिल्कुल मुनाफा होगा। हमारे देश में कई ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर कि इसकी बाकायदा हेक्टेयर में खेती होती है और किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि हमारे झारखंड में भी किसान जो है इससे जुड़े और इसकी व्यावसायिक खेती को करें। इतना ही नहीं, इसमें मुनाफे का अनुपात भी इतना अधिक होता है कि 1 रुपये की लागत से 2.5 रुपये तक कमाया जा सकता है। इनमें कई पौधे 4 से 5 महीने में ही आमदनी देने लगते हैं, अतः ये किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है। आय व्यय का विवरण सामान्य तरीके से जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो 2.5 से ज्यादा होता है, यानी यदि आप 1 रुपया लगाएंगे तो 2.5 रुपये तक की इसमें आमदनी होगी। उसके अलावा इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं जो 4 महीने 5 महीने से आमदनी देनी स्टार्ट कर देती है, जैसे कालमेघ हो गया, तुलसी हो गई, लगने के बाद लेमन ग्रास हो गई, 6-7 महीने के बाद उसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो आप बेनिफिट कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा है, साथ में इसमें आपका इसमें जो रोजगार की संभावना है काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यदि आप जैसे आप इसको काटेंगे, काटने के बाद इसका जो प्राइमरी जो उसका वैल्यू एडिशन है जो वो करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केट तक पहुँचाएंगे, तो इसमें रोजगार की भी काफ़ी संभावना है। साथ ही ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आपके पास अपलैंड है, मीडियम ऐसी गांव के पास जो कम्युनिटी लैंड है, फेलो लैंड है, उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो उससे आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। और साथ में जो भी औषधीय पौधे हैं यदि उसका उपयोग आप अपने स्थानीय स्तर पर करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये सारे फायदे किसानों को हैं, ज़रूरत है कि आप इसको इससे जुड़ने की, और उसके बाद अच्छी वैरायटी, वैज्ञानिक तरीके से खेती और परफेक्ट मार्केट लाइजनिंग, यदि मार्केट लाइजनिंग करके यदि इसकी खेती करें तो इसकी खेती की जो है व्यावसायिक खेती की अपार संभावना है। इस तरह से औषधीय पौधे की खेती कर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ ट्विटर से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और अगर आपके पास इतने सारे साधन नहीं है तो कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता, और आप हमें पत्र के जरिए बता सकते हैं आपकी ख्वाहिश, आपकी जो तमन्ना है वो बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ बदलाव चाहते हैं तो उठाइए कागज़ और कलम, लिख डालिए हमारा पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातु रोड रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।